वसई विरार शहर में एक बस ड्राइवर ने फिनाइल पीकर आत्महत्या का प्रयास किया है। आत्महत्या का प्रयास करने वाला यह बस ड्राइवर वसई विरार शहर महानगर पालिका की बस सेवा से जुड़ा हुआ है, जिसे आज नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसको लेकर उसने ऐसा प्रयास किया। फिलहाल ऐसा प्रयास करने वाले निलंबित बस ड्राइवर को महानगर पालिका के विजयनगर स्थित सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस मामले को लेकर ड्राइवर के सहकर्मी, जिसमें ड्राइवर, कंडक्टर और काफी संख्या में महानगर पालिका के यहां ठेका कर्मचारी शामिल हैं, वह सभी वसई पूर्व की वाली पुलिस स्टेशन में जमा है और उनकी मांग है कि कॉन्ट्रैक्टर पर गुनाह दर्ज किया जाए और इस मामले में कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों को पुलिस स्टेशन में तलब किया है और आगे की कार्रवाई के लिए विचार मंथन जारी है। हमने उन लोगों से बात की है जो पुलिस स्टेशन में आकर कार्रवाई की मांग कर रहे थे, तो चलिए जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। जो ड्राइवर्स हैं, उनके साथ कंडक्टर्स हैं, उनकी पूरी टीम है, ये सारे लोग जो है अब पुलिस स्टेशन में आए हैं, पुलिस स्टेशन की शरण में, और उनका कहना है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। और आप देखना होगा कि ये पुलिस के साथ जो वार्ता हो रही है, और अभी हम आपको आगे कॉन्ट्रैक्टर्स की बात सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे वाली पुलिस स्टेशन पे लोग जमा है और लोग पुलिस के पास जा रहे हैं और अपनी मांगे रख रहे हैं कि उन्हें उनके साथ जो भी जाति हो रही है, अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन दर्ज करे और इस पूरे प्रकरण की जांच करे, जांच करके कार्रवाई करे, इसलिए यहाँ पे सब लोग जमा हुए हैं। आइए जानते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर में मामला क्या है। बताइए सर, क्या मामला है आपका? 21-22 आम्ही संप केलेला होता पगारवाढीसाठी आणि सर्व मागण्यांसाठी, TC लोकांसाठी सुद्धा आणि कंट्रोल लोकांसाठी सुद्धा, पण त्यावेळेला आमचा संप म्हणजे बेकायदेशीर ठरून हे करण्यात आलं, मोडीत काढण्यात आला। त्यानंतर आम्हाला पगार आज त्याने दिला तो कट करण्यात आला, दोन दिवसाचे पगार कट करण्यात आले सगळ्यात पूर्ण एकूण टोटली, म्हणजे ड्रायव्हर कंडक्टरचा आमचा पगार कट करण्यात आला। किती लोक आहेत? 400 आमचा स्टाफ आहे। ओके, काम आहे ना वो बहुत ही है। अपना क्या है, अपना 45 सीटर गाड़ी रहता है, उसमें 120 प्रवासी को बैठा के हम लोग लेके जाते हैं, फिर टायर पंचर हो गया या टायर फट गया, पट्टा टूट गया, तो ड्राइवर के नाम पे काटते। कोई भी गाड़ी ऐसा नहीं है कि हम लोग मानो बराबर चला सके, मतलब गाड़ी में फॉल्ट हुआ तो पगार से कटेगा? हाँ, अगर गाड़ी में अगर पट्टा टूटता है तभी भी ड्राइवर के नाम पे जाता है, अगर टायर पंचर हो गया, टायर फट गया अगर लोडिंग के ज्यादा से, तभी भी ड्राइवर के नाम से कटता है। उन लोगों को कहने का मतलब है कि जो गाड़ी देता है, ड्यूटी देता है, वो क्या बोलते है, तुम गेट के बाहर जाओ, अगर गाड़ी किधर डिफेक्ट हो गया चाहे बंद पड़ गया, तो डिपो वाला क्या ड्राइवर अच्छा नहीं है, अच्छा गाड़ी नहीं चलाता है, ये हिसाब से वो लोग हम लोग के ऊपर प्लांटी मारते हैं। अभी एक दिन छुट्टी किया, मेरा पगार 3,200 रुपया कटा, दीपावली का बोनस हम लोग को कितना मिला, 4,250 रुपया मिला, मगर उसमें हम लोग का कटिंग कितना हुआ, 38 रुपया, मानो 3,800 रुपये कट हो गया, तो हमको बोनस क्या मिला, एक साल डेढ़ साल दो साल काम करके हम लोग को कुछ नहीं मिला। सेठ हमारा बोल रहा था गुड लक दूंगा, वो गुड लक दिया हमको 500 रुपया, 500 अपना जो एक साल दो साल का जो काम करने वाले हैं उनको कितना मिला, 4,250 रुपया, मगर वो जो हम लोग अब्सेंट किए, जो हड़ताल किए, उसमें वो पैसा 38 काट के तो कितना बोनस बचा। अभी एक चीज बताइए, अभी जो सुसाइड अटेम्प्ट किया, उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया है, उसको लेकर आप लोग यहाँ पे आए हैं, उसके क्या मांगनी है, क्या कहेंगे? उसका मांग है वो अपने लिए, अभी हम लोग को 13,000 में घर नहीं चलता है, और हम लोग के लिए लड़ रहे, उसके बाद उसको नौकरी से निकाल दिया गया, मैं भी राजीनामा डाल दिया हूँ, हमको नौकरी इसे नहीं चाहिए कि जो हमारे लिए लड़ रहे उसको तुम निकाल दो, उसका कोई फॉल्ट नहीं है, मगर वो क्या है, हम लोग के लिए लड़ रहे, इसके लिए वो लोग बोल रहे कि इसको काम से निकाल दो, क्योंकि बाकी दूसरा कोई बोलने वाला नहीं है, वही एक इंसान है वो हम लोग के लिए लड़ रहे हैं, फिर उसके बाद से वो उसके लिए उसको नोटिस दिया कि तुमको काम से निकाल दिया गया। सर अपन ओटी लासवाल, सर ओटी, जब अपन ओटी में रहते हैं तभी क्या उन लोग का कैसा कि फेरी कंप्लीट करने का, फेरी कंप्लीट नहीं करेंगे और अपना एक भी ट्रिप कम हुआ तो उसमें से भी पैसा काट दे, मतलब ओटी करें, ओवर टाइम करेंगे 8 घंटा या 10 घंटा भी करो ओवर टाइम, एक ट्रिप उड़ा तो पैसा कट, 6 घंटे का भी नहीं, 4 घंटे का पगार देते। ये लो, ट्रैफिक रहा, ट्रैफिक का या गाड़ी का मेंटेनेंस इशू, गाड़ी का कोई इशू रहे या कोई ट्रैफिक का इशू रहे, गाड़ी थोड़ा भी लेट हुआ पैसा कट, गाड़ी लेट हुआ तो पैसा कट हो जाता, पूरा कट हो जाता है। गाड़ी का वाइपर का प्रॉब्लम, सब लाइट, इंटरनल लाइट, बाहर का लाइट, गाड़ी में एक भी ऐसा गाड़ी नहीं है जो उसका आगे का लाइट, जो फ्रंट लाइट रहता है ना फोकस, बहुत कम,
उन लोग मतलब उन लोग हम लोग भी बोले भी है कि जाओ यो भी कटआउट डाल के आप लाइट बढ़ा सकते हैं, उसमें से कोई नहीं है। अभी भी देखेंगे ना गाड़ी रात को, इधर सब ड्राइवर है, सबको पूछो कौन सा गाड़ी होके लाइट में बोलेंगे ना। अभी बारिश का टाइम है, बारिश गिरने के बाद सामने कुछ नहीं, वाइपर सब गाड़ी में दो वाइपर रहते हैं। महानगर पालिका का गाड़ी में खाली एक ही वाइपर रहता है, ऐसा क्यों? अरे गाड़ी के सब गाड़ी में दो वाइपर रहते हैं, महानगर पालिका के गाड़ी में एक वाइपर क्यों रहता है? रिक्शे है क्या? अभी जो है अभी रात को हम लोग वही तो वैसे उसके वजह से हम लोग को आगे का नहीं दिखता है, आगे दिखेगा उसके बाद कुछ गाड़ी पटक जाता है क्योंकि रात को दिखता ही नहीं है। उसके बाद पैसेंजर कंप्लेंट करेंगे तो ये हम लोग को बहुत प्रेशर डालेंगे, तुम गाड़ी कैसे चलाते? ये प्रयास किया है जवळपास सगळ्यांचा त्यांनी म्हणजे कापलं, समथिंग कापलेला आहे। आणि त्यानंतर आमचे जे लेट हे होते लीडरशिप करायचे त्यांना त्यांनी 18-19 जणांना त्यावेळेला पक्षवश भाषण केल्याबद्दल, चेतावणी दिल्याबद्दल आणि काम बंद करून हे नुकसान केल्याबद्दल त्यांना चार्जशीट दाखल केली बडतर्फीची। आणि त्या बाकीच्यांना त्यांनी अर्ज घेऊन त्यांना कामावर घेतलं। आणि भीमराव कासारे म्हणून जो आमचा गेली 10-12 वर्ष कामगारांसाठी लढतो आहे अन्यायाविरुद्ध, तर त्याच्याविरुद्ध बडतर्फीचा नोटीस काढला आणि काम बंदचं, त्याला कामच नाही, घरी जायला सांगितलं, त्याला गणवेश जमा करायला सांगितला, आयडी जमा करायला सांगितलं त्याचा, आणि आजपासून कामाला यायचं नाही ते विचारायला आम्ही गेलो होतो। तर त्यांच्या ऑफिसर म्हणजे वरिष्ठ अधिकारी आमचे होते, त्यांच्याशी आमचं बोलणं झालेलं होतं की आम्ही राणे साहेबांशी आम्ही काय सांगतो आणि दिगंबर राठोड साहेबांशी की तुम्ही फक्त हेअरिंग घ्या त्याची, डायरेक्ट तुम्ही काम म्हणजे कामावरनं पटावरनं बडतर्फ करू नका, नोटीस आहे आमच्याकडे ते पण आहे, बडतर्फीचं ओळखपत्र जमा करा, आजपासून तुम्हाला मध्यान्हपूर्व आणि मध्यान्हनंतर असं मेन्शन केलेलं आहे त्यामध्ये की तुम्ही आजपासून या मध्यान्हपूर्व आणि मध्यानंतर ड्युटीवर हजर राहायचं नाही आहे। त्यामुळे मानसिक तणावाखाली त्यांनी भीमराव कासारेंनी जो आज लढतोय 10-12 वर्ष कामगारांसाठी त्याने फिनाइल मोडून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला प्रशासनाच्या या हलगर्जीपणामुळे। आम्ही वाली पोलीस स्टेशनला आमची मागणी एकदा आमचा माणूस व्यवस्थित होऊन आणि त्याची स्टेटमेंट घेऊन हा गुन्हा दाखल करण्यात यावा आणि कामावर घेण्यात यावे कॉन्ट्रॅक्टर विरुद्ध। हो अच्छा, त्यांची परिस्थिती काय आहे ज्यांनी फिलाय पिली ते आता आम्हाला पण माहिती आहे, तिकडे कॉन्टॅक्ट अपडेट घेतोय आम्ही त्यांच्याकडे, पण ते आउट ऑफ डेंजर बोलत आहेत पण आम्हाला ते सांगतात येऊ नका तिकडे म्हणून। असं असं कधीपासून असं चालू तुमचा, किती वेळ झाला? किती दिवाळी पासून, मागच्या दिवाळीला आम्ही बोनस साठी काहीतरी बरोबर ना बोनस साठी आम्ही काय त्यावेळेला पण एक दिवसासाठी आमचा पैसे सुद्धा तेव्हा पण कापलेले होते, भरून देतो म्हणून कॉन्ट्रॅक्टरने सांगितले होते पण भरून दिलेले नव्हते। आता पण 2 दिवस आम्ही केला त्याच्या सुद्धा अनलिगल ठरून तो मोडीत काढण्यात आला। तुमचं पीआय साहेबांशी बोलणं झालंय, काय बोलले ते? बोललेत की मार्ग काढूया आपण, काहीतरी मार्ग काढूया, आले नाही ते, पण हे बोलतात की आपण समोरसमोर बसून बोलूया। पण बाकी सर्वांची एकच मागणी आहे की आम्हाला जाचक जो त्रास होतो आहे तो फक्त आमचा कमी करा, पगार वाढ नाही केला तरी चालेल, पण आमचा जो जाचक त्रास होतो आहे फेऱ्या वाढवणे, टायमिंगच्या बाहेर फेऱ्या एक ड्युटी करणे, ओटी सोयी सुविधा तुमची, तुम्हाला मानसिक त्रास भरपूर आहे सर्व कर्मचाऱ्यांचा, माझाच नाही हे जसं 8 तासाच्या वर ड्युटी होते। किती तास तुम्ही करता? आम्ही 8 तासाची ड्युटी आहे तर ते 10 मिनिटं राहिली, अर्धा तास राहिला तरी सांगतात फेरी मारून या, ते बोलतात आम्हाला वरनं सांगितलंय की फेऱ्या पूर्ण करायच्या, ओव्हरटाईम देतात का? त्याचा ओव्हरटाईम होत नाही, 8 तास कटी। मेट्रो सिटी समाचार पर विज्ञापन हेतु संपर्क करें 8847744777।